तो फ्रेंड मोरफो डिवाइस चलाने के लिए सबसे पहले हमको प्ले स्टोर से दोस्तों एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमको यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क यहाँ पे चालू कर लेना है और दोस्तों यहाँ पे प्ले स्टोर पे यहाँ पे दोस्तों प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, अगर दोस्तों आप प्ले स्टोर से नहीं करोगे तो तब तक ये यहाँ पर डिवाइस आपके काम नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करा लेना है दोस्तों। RD सर्विस के नाम से भी आप इसको यहाँ पर सर्च करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोस्तों RD सर्विस लिख के यहाँ पर सर्च करा लेता हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पे आप RD सर्विस के नाम से यहाँ पे आपको सर्च करा लेना। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पे RD सर्विस के बाद देखिए यहाँ पे मंत्रा आती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों जो मोरफो डिवाइस है। ठीक है, ये वाली फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्रेंड मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड ये वाली आप यहाँ पे मोरफो डिवाइस, ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है फ्रेंड ये वाली ऐप से। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी ऐप से फ्रेंड 4 MB की यहाँ पे ऐप से फ्रेंड। ठीक है, आप इसको यहाँ पे दोस्तों डाउनलोड कर लें। दोस्तों ये डाउनलोड करने के बाद जो अगली सेटिंग है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आप आगे आपको क्या करना है। ठीक है, फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारी जो ऐप्स है वो डाउनलोड हो चुकी है। हम अब हमको इसको ओपन करना फ्रेंड। देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको अलाउ देना। ठीक है दोस्तों, अलाउ देने के बाद देखिए यहाँ पे जो फ्रेंड आप जहाँ यहाँ पे खुलेगी वो आपको दोस्तों ये यहाँ पे OTG की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, OTG की ज़रूरत पड़ेगी आपको मोबाइल में ये कनेक्ट कराने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे OTG उसको कनेक्ट करते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम OTG लगा लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों OTG लगाने के बाद यहाँ पे देखिए हम इसको भी यहाँ पे लगा लेते हैं। तो फ्रेंड ये आराम से लगाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड अब इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ हल्की सी यहाँ पे लाइट जलेगी। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसको रिफ्रेश करते हैं ऐप्स को। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे फिर से ओपन करके फ्रेंड आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है। आपकी अगर सपोर्ट नहीं करती हो तो आप ये वाला कवर भी निकाल के दोस्तों आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये OTG किसी के में सपोर्ट करती है, मतलब दोस्तों लगता नहीं है। ठीक है, रबड़ के मारे तो फ्रेंड आप रबड़ भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों आपका रबड़ भी निकालने के बाद भी नहीं आ रहा तो आप दोस्तों सेटिंग में जाके आप दोस्तों OTG ऑप्शन है वो चालू कर सकते हो। ठीक है, आप दोस्तों सेटिंग में जाना है और दोस्तों आप सर्च बार या फिर कहीं से भी आप दोस्तों OTG वाला ऑप्शन है। ठीक है, आपको दोस्तों इसको इनेबल करके रखना है। ठीक है, तब जाके फ्रेंड आपकी डिवाइस काम करेगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम डिवाइस को लगाते हैं और देखते हैं वहीं कि हमारी डिवाइस दोस्तों चालू है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड लगा लिया हमने। ठीक है, डिवाइस ये देखिए यहाँ पे लाइट ब्लिंक करी है। ठीक है, अब दोस्तों हम जाते हैं भाई हमारी डिवाइस की जो ऐप से थी, ठीक है, RD सर्विस, उसमें जाते हैं और देखिए यहाँ पे लिखा आ गया फ्रेंड कि यूअर डिवाइस इज़ रेडी फॉर यूज़। ठीक है, आप दोस्तों आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। आप दोस्तों क्यूस्क के वगैरह या फिर दोस्तों किसी भी तरह का पंजीयन करना चाहते हो, ठीक है, KYC करना चाहते हो तो फ्रेंड आप कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।